अब उसको हम जीपीएस पे ला रहे हैं, उसकी मैपिंग करा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उस पर कब निगाह डालेगा या कोई अतिक्रमण करेगा उस पर तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारी अच्छी संपत्तियां हैं कि वक्त की संपत्ति क्या होती है, आज बाड़मेर में भी होगी, राजस्थान भर में जिलों में है, उन संपत्तियों से हम लाखों रुपए नहीं कभी कोई बात करने वाला हूं। जब भी मेरे को किसी ने बुलाया है मैं उसकी मदद की है और आगे भी करूंगा। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री महोदय, आप जिस प्रकार से हमारी गोम के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसी हिसाब से आप काम कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाते जाए, खुशियों के गीत गाते जाए। मालिक ने यह रुतबा इसको शामिल करते हुए सिंधी के कम से कम 100 पद बढ़ाए मंत्री मोदी, उसके भी तवज्जो दें। और मैं यहाँ पंडाल में जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इन 3-4 सालों में जो माननीय साले मोहम्मद जी ने अल्पसंख्यक विभाग के काम किए हैं, वो काम किसी को बताने और गिनाने की जरूरत नहीं है। ये बाड़मेर के अंदर बड़ी जो हॉस्टल बन रही है, ये चोटन के अंदर बनी है, ये पुरान में बन रही है, मंत्री महोदय का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। हम तो क्या हमारी मीडियम सिंधी मुस्लिम कौम के, हमारी मुस्लिम कौम के आप पर भी एहसान। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा मंत्री महोदय, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मंत्री महोदय हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि आग लगनी चाहिए मेरे दिल में ना सही, जले कहीं भी आग मगर चलनी चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के अगले पायदान पर जिला अल्पसंख्यक मामला विभाग के द्वारा, लेकिन मेल चीज तो होना अच्छा नहीं समझता कि मेहमान हमारे यहाँ पधारे और हम मांगे अच्छा नहीं लगता। मंत्री महोदय से हमारा हमेशा आना जाना होता है, तो हम वहाँ जाकर हमारा प्रथम प्रति मिलेगा और मंत्री साहब जानते हैं। तो अब ज्यादा जिस प्रकार से मंच पे मांग आ रही है वो सब मंत्री महोदय जानते हैं, और मंत्री महोदय का सभी लोग हम आप सभी लोग यहाँ पर सारे मोहन जी आप जिंदाबाद जनाब साले मोहन साहब। देखो बाड़मेर के अंदर पहला हमारा राजकीय जो छात्रावास है 50 बच्चों की शिक्षा वाला कौन नाम अपनी शुरुआत, बालक और बालिकाओं के हॉस्टल हमारे वहाँ बन रही है बाड़मेर के अंदर। मैंने आज भी विभाग के वहाँ अधिकारी निर्देश दिया फिर उड़ी, उन्होंने कहा मार्च तक वो भी हम तैयार करते हैं। तो इसके अलावा भी 5-7 हमारी एनजीओ की तरफ से भी हॉस्टल चल रही है अलग अलग जगह पर। हम चाहते हैं कि जितनी राजकीय छात्रावास होगी उतना अच्छा उसका मेंटेनेंस भी होगा, उसका फ़ायदा भी बच्चों को मिलेगा। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि माइनॉरिटी के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, आज वो दूर दराज रहते हैं, उनको हम कहीं रहने के लिए खाने के लिए जगह देंगे तो वो बच्चा आगे पढ़ाई करेगा। तो उसके लिए हम एक आवासीय विद्यालय हमने पहली बार शुरुआत किया है, चोटन की पुरान तालाब में बना रहे हैं, उसमें 19 करोड़ लागत आएगी। नवोदय विद्यालय की तरफ ये अभी हमने 3 साल के अंदर पूरे राजस्थान में 8 आवासीय विद्यालय बनाए हैं, एक शुरुआत की। और आने वाले टाइम हम प्रयास करें कि हर जो माइनॉरिटी का जो ब्लॉक्स है, क्योंकि इसमें ब्लॉक तय हैं केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के, उन ब्लॉक्स में हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे ब्लॉकों पर जहाँ जहाँ सब जगह जो है लगभग आवासीय विद्यालय से भी शुरुआत करें। अभी 8 हाथ में काम लिए हैं, आने वाले टाइम में अभी और कोशिश करेंगे कि जो जिला स्तर में भी जितना अच्छा काम कर सकते हैं उसके लिए भी गए। हम जितना शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की सुविधाएं देंगे तभी बच्चे उसमें जुड़ पाएंगे। मुख्यमंत्री अनुपति कोच योजना ये हमारे विभाग ने दी थी स्टेट गवर्नमेंट को कि इस प्रकार से गरीब बच्चे हैं उनके लिए योजना लाई जाए। मुख्यमंत्री ने हमारी बात मानी और पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी SC ST OBC EWS माइनॉरिटी सबके लिए जो है सीटें तय की, उसमें कोई भी हुनर बच्चा है वो यदि किसी इंस्टीट्यूट में पटा है उनका पैसा नहीं है तो उनका पूरा इंस्टीट्यूट का खर्चा जो है सरकार देगी, और साथ साथ में उनके रहने पीने खाने पीने के लिए भी 40,000 रुपये अलग देगी। तो ये पहली बार हुआ है, 100 करोड़ रुपये में अलग से हमारे कोष किया है, उसमें भी हम शिक्षा में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और साथ साथ में ऐसी जो महिलाएँ हैं जो कशीदा का काम करती है, हुनर का काम जानती हैं, उनको भी जगह मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। अभी पहली बार मुख्यमंत्री जी ने जो 2013 से 2014 में लोन लिए थे काफ़ी खाते NPO हो गए, इसकी वजह से हमारा लोन बंद हो गया था। तो हमने वापस से शुरुआत की कि जो 13-14 के जो खाते हैं एमनेस्टी योजना लागू की,
उसमें अलग अलग नवंबर में अलग किया हमने, दिसंबर में अलग पे समाप्त होगा, जनवरी तीन चरण दिए, तीन चरणों में करीब 76 लाख रुपये जो है बाड़मेर के माफ़ हो रहे हैं, लगभग 8 लाभार्थी। तो ये पहली बार हम स्कीम लेके आए, तो ऐसे तमाम काम हमने हाथ में लिए। हम चाहते हैं जितना अच्छा काम कर सकते हैं माइनॉरिटी के लिए वो हम प्रयास करें। सर एक प्रश्न है कि काफ़ी समय से राजस्थान में आपकी सरकार रही है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में अल्पसंख्यकों की